चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 10 साल हो गए देख ली, कांग्रेस ने देख लेंगे, पहले भी देखी के बना चावल के दाने मिले उन्हें नून गेर ले पका लो खा लो के मरा गो साला मैं डंगर ये प्रधान तो थारा ही था प्रधान को योगी कहां गया योगी थोड़ा रोड पे गुजारा नु हाथ हिला दिया कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई। सीसीए में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में है और जिला शामली का ये असदपुर जिडाना गांव है जहां पर कल 5 जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा यहां से गुजरी जिसमें राहुल गांधी भी यात्रा में चल रहे थे। मैं आपको बता दूं कि यूपी में ये भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को एंटर हुई थी लोनी से और लोनी से बागपत बड़ोत कांधला को होते हुए कैराना से फिर पानीपत हरियाणा में वो निकल गई। यात्रा जो हुई है हम यहाँ गाँव में लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है कि यात्रा के बाद क्या लोगों पर असर पड़ सकता है, क्या कोई राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है आने वाले समय में। हमारे यहाँ साथ कुछ लोग हैं गांव के, हम उनसे बात करेंगे कि उनको क्या लगता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। कल यहाँ से 5 जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। आपको क्या लगता है कितना असर भारत जोड़ो यात्रा का आपको दिखता है जमीन पर? असर तो देखो मिला जुला ही रहा, वैसे संस्कृति का तो जो है राहुल गांधी जी को भी पता नहीं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कांधले में जयचरण सिंह की मूर्ति पे भी माल्यार्पण करना चाहिए था उन्हें, चौधरी साहब का सम्मान नहीं करा। उत्तर प्रदेश से 3 जनवरी में भारत जोड़ो यात्रा एंट्री की थी लोनी गाजियाबाद से, कल 5 जनवरी में जिला शामली से होकर गुजरी है। जिला शामली में आप कैसे देख रहे हैं यात्रा का सर? कुछ रहेगा यात्रा का तो बढ़िया सर रहेगा भाई, कांग्रेस तो लोग समझ गए, समझदार हो गए लोग, अपनी राय देंगे भाई जो आप क्या क्या संदेश देने की कोशिश की? अरे संदेश ही है तो 10 साल हो गए देख ली, कांग्रेस ने देख लेंगे, पहले भी देखी अगर पहले वो देखी 27 साल तक कांग्रेस को तो 27 में क्या पहले नहीं समझदार होएगा लोग बाद कर्जा माफ करेगी यार ये किसानों ने क्या चाहिए किसानों को अपना चाहिए अरे थोड़े जी रहे पूरे साल पेमेंट नहीं आता और क्या करेगा किसान यात्रा बहुत बढ़िया है जी, इतनी बढ़िया यात्रा रही, बदलाव है जी, बहुत बदलाव होगा जी, ऐसा बदलाव हर डर होगा जी, जहाँ जिसका दिल मानना हो तो जम ही जाओगा जी, यात्रा बड़े हुई थी। कुछ लोग तो कह रहे हैं जो जिसका है वो उसका कौन का होगा की नौकरी लगवा दो, हमें तो चावल चावल के दाने मिले वे भी हम मिलो ना। अच्छा एक चीज बताओ बाला कितने पढ़ रहे तेरे, कल राहुल गांधी गुजरे यहाँ से, कुछ लगता है आपको? नहीं हम बदलाव तो आवागा जी बाबा का, हमारे जागतों की नौकरी लग जाओ, वो भी अपने अपने का रहेगा, वो भी अपने अपने का होगा, सब अपनी का। तो फिलहाल जो सरकार है वहाँ से कुछ नहीं बन रहा के बना चावल के दाने मिले उन्हें नून गेर ले पका लो खा लो मिले गरीब आदमी। भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है उसको सभी जो दल है जो संगठन है कई संगठनों से समर्थन मिला है जी। जैसे रालोद से भी, भारतीय किसान यूनियन से भी, केवल भाजपा को छोड़कर कई लोगों का यात्राओं को समर्थन मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बढ़िया बढ़िया, वो चुनाव बढ़िया लड़ रहा है, मतलब सभी के लिए रहेगा जी, भाजपा अपने के लिए रह लो, लेकिन जो समर्थन मिला है दलों का तो मिलता रहेगा, और भी मिलागा जो रहा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है पूरे देश में कांग्रेस की, कितना असर आपके नजरिए से लग रहा है लोगों को? असर तो जब भी होगा ना, जब बाबा का बैठ के बातचीत करेगा ना थोड़ा भाई रोड पे गुजारा नु हाथ हिला दिया कि इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता भाई, बातचीत करे अब नु तो ये तो पब्लिक है नु देख कर, राहुल गांधी कौन है कैसा है पब्लिक है तो वो तो सारे यहाँ तो मुझे दिखता नहीं काम का कोई गए हो साथ में, पीछे तो यार कर्नाटक पर्नाटक तो कहीं कहीं तो साथ में। आगे 2024 का भी चुनाव है, क्या उसमें कुछ असर दिखेगा या कहाँ फाइट हो सकती है आपके साथ? फाइट तो देखो बीजेपी में और आरएलडी में ही रह सके, राहुल का नहीं कोई असर पहुँचने का यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है कुछ असर होगा यूपी पे? देखो उत्तर प्रदेश में तो कोई असर होने वाला है यूपी में, कोई असर होने वाला? मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की, अपने जिले की नहीं कह रहा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की कह रहा। लेकिन देखा जा रहा है तो एक भीड़ एक नजर आती है, देखो भीड़ तो
भीड़ तो हिल है, राष्ट्र पार्टी का राष्ट्र पार्टी है, बड़ा नेता है, देखने के लिए पब्लिक देखने के लिए आती है, वो बात अलग है। भीड़ तो देखो आपके पास भी कितनी होगी, आपको देखने के नाम के आप तो आम आदमी हो, आपको देखने के नाम कितनी भीड़ होगी, भीड़ को इकट्ठे करने इतनी बड़ी बात नहीं होती। भीड़ तो देखो पूरा गांव इकट्ठा होगा, लग रहा वोट में नहीं बदलेगी ये चीज़, नहीं बदलने की भाई, यहाँ तो लगी बंदी वोट है, कुछ मायावती की है और कुछ मोदी योगी की है, और किसी की वोट नहीं है यहाँ। आवारा पशु ने तो इतना वो कर रखा, अब जितना खेत हो गया पहले तो मिल नहीं देता कुछ, अब जो मिलता बचा अति आवारा पशु ने छोड़ते, यही तो छोड़ रखे इस ना जानन ने। तो इसमें भाई साहब समस्या योगी की गलती नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, योगी की गलती नहीं है, गौशाला बनवा रखी लोग बाग दूध पीवर छोड़ दिया गौशाला, यह बनवा रखी है प्रधान, प्रधान जब थी अरे जब थी दिन कहा भूखे मरा गौशाला में डंगर, प्रधान तो थारा ही था, प्रधान को योगी कहाँ गया, और योगी यहाँ भाजपा की सरकार रहकर हम भाजपा के आदमी है, अगर सरकार में तो जब लगेगा प्रधान भी, ये सरकार में तो अगर कुछ प्रधान तो नहीं बनवाई थी, एक मिनट मेरी बात बताओ, अरे दिमाग में पड़ेगा, मेरे दिमाग में नहीं पड़ता, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, दिक्कत हुई स्टाम्प पे, मैं पूरे स्टाम्प पे लिख कर दूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ने वाला नहीं है इस रैली से, कोई असर नहीं रहने का, नहीं प्रदेश में कांग्रेस दिल्ली है, प्रदेश में कांग्रेस दिल्ली रहेगी, जो बात है देखो कांग्रेस ही है, कांग्रेस दिल्ली रहेगी प्रदेश में, ये तो बात। हम जिराना गांव में थे जो जिला शामली में है, और कल यहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी, यहां के लोगों की अलग अलग राय है, लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में असर कम भी होगा ज्यादा भी होगा, लोगों की अलग अलग राय है, जुड़े रहे उत्तर प्रदेश से, सीसीए से आपको खबरें आती रहेगी। Thank you.